हे भगवान, हमें सद्बुद्धि और बुराइयों से लड़ने की शक्ति देना। लक्ष्मी, तुमने मुझे दो खूबसूरत बेटे दिए हैं, फिर तैयारी है, इस बार एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया दे देना। बेटी की बड़ी लालसा है। चल राजू बेटे, मालिक लोगों को नाश्ता दे आए। बापू, तुम कमर में अंगोछा क्यों बांधते हो? मैं इस घर का बहुत पुराना नौकर हूँ बेटा, इसलिए ले। चल। आ गया आ गया, नाश्ता आ गया। माँ फटाफट आ जाओ, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। चंदर बेटे, सूरज बेटे, आ जाओ, नाश्ता आ गया। दिनू भाई, पता नहीं क्या मिलाते हो खाने में, इतना स्वादिष्ट होता है कि खा खा के मैं मोटा हो रहा हूँ। वही प्यार मिलाता हूँ मालिक, जो सदा आपसे भरपूर मिलता है, वरना इस गरीब ब्राह्मण के पास और है ही क्या। आओ बेटा राजू, तुम भी यहाँ कुर्सी पर बैठो। नहीं, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता, उतर उतर नीचे। चंदर, छी, बुरी बात है। मैं यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ माँ। पापा, ये हमारी माँ है, उसकी माँ थोड़ी है। ऐसा नहीं बोलते बेटे। ऐसी गंदी बात फिर कभी न कहना। राजू ने भी मेरा दूध पिया है बेटे, इसलिए ये भी मेरा बेटा है। गंदी बात कहने वाले बच्चे गंदे होते हैं। नहीं लक्ष्मी, देख लेना, हमारे बेटे बड़े होकर चांद सूरज की तरह चमकेंगे, और हम दुनिया वालों से बड़े फख्र से कहेंगे कि हम इनके माँ बाप हैं। चलो बेटे, जल्दी से दूध पी लो, मैं ऑफिस जाते जाते इन तीनों को स्कूल में छोड़ दूंगा। आइए कुंवर साहब, आइए, तशरीफ लाइए। फॉरेस्ट ऑफिसर, हमें कुंवर साहब नहीं, राजा साहब कहा करो। पर राजा साहब तो आपके बड़े भाई हैं। मेरा बड़ा भाई एक जिंदा लाश है, नाम का राजा है, बीमार पड़ा मौत की घड़ियां गिनने के सिवा वो करता ही क्या है। अब उसका सारा राजपाट मैं संभालता हूं, और तुम मेरी रियासत की एक मुलाजिम हो। आप शायद कभी ये नहीं भूल पाएंगे कि अंग्रेज यहां से चले गए हैं, और अब यहां भारतीय सरकार का राज है। भारतीय सरकार जिसने हमारी सारी जागीरें छीन ली। ये सच है कि आज हमारी माली हालत जरा खस्ता है, लेकिन हमारी हवेलियां इस बात की गवाह हैं कि हम आज भी कोई मामूली इंसान नहीं, हम आज भी राजा हैं ऑफिसर, खानदानी राजा हैं हम। कौन चला रहा है ये गोलियां? इस जंगल में तो शिकार खेलना मना है। सोना है, और ये भारत सरकार की अमानत है। करोड़ों का सोना। ये सरकारी खजाना है। हट जाओ। पानी 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 चाहिए। मैं लाता हूं पानी। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।
मर गया मर गया। ये आपने क्या किया जेके साहब? आपने घायल सरकारी मुलाजिम का खून कर दिया। अरे से मरने दो, यहाँ आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, हमारा पति बन गए। ये हमारे गरीब देशवासियों की अमानत है, भूखों की रोटी है। ये भाड़ में गए देशवासी और भाड़ में गए भूखे नंगे। हम सिर्फ अपने घर में घी के चराग जलाएंगे। बोलो, आधा आधा मंजूर है? मैं तो आपको आजमा रहा था कुंवर साहब। फिलहाल हमें सोने को ठिकाने लगाने की सोचना चाहिए। नहीं, सबसे पहले हमें इस गाड़ी और इन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। आप इस वैन को यहां से लेकर कहीं दूर चले जाइए। मुझ पर शक है? इस सोने को यहां से ले जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस जंगल से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां से मैं जा रहा हूं। समझ गए ना? देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बता कहां छुपा रखा है सोना? लक्ष्मी नहीं, तुम फौरन यहां से भाग जाओ, दूर, बहुत दूर, किसी सुरक्षित जगह। मगर मैं तुम्हें सिंदूर की कसम, तुम्हारे पेट में बच्चा है, वो खूनी तुम्हें भी मार देगा, मेरे बच्चों को भी। कौन मार डालेगा? उसे तुमने कभी नहीं देखा, उसका नाम है से भाग चले। आनंद, दरवाजा खोलो। दुश्मन दरवाजे पर है मालकिन, दरवाजा तोड़ दो। और नए बच्चे भी मारे जाएंगे मालकिन। ढूंढो उसे। इसे फौरन हमारी हवेली के तहखाने में ले जाओ, किसी की नजर ना पड़े। इस घर को जलाकर राख कर दो, ताकि कोई निशान ना रहे। इसके बीवी बच्चे कहां हैं? अंदर तो कोई नहीं है सर। इसका मतलब है उन्हें सब कुछ बता दिया है। अब उन सब की मौत हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, वो लोग भाग रहे हैं। तो
सुनो बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मालकिन ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पाला पोसा। वक्त पड़े तो मालकिन के लिए अपने खून की एक एक बूंद लुटा देना बेटा। मालकिन, अब आप अपनी और इन बच्चों की जान बचाइए। घबरा मत दीनू भैया, मैं इन बच्चों को लेकर सीधे थाने चली जाऊंगी। नहीं मालकिन, खूनी थाने के आसपास ही आपका इंतजार कर रहा होगा। आप इनको लेकर दूर कहीं दूर चले जाइए, दूर चले जाइए। नब्ज अभी चल रही है, ये जिंदा है। ये आदमी यहाँ है ये खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। आज तक आपका कोई भी राज मुझसे बाहर गया है राजा साहब? इस आदमी को किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। इसकी कीमत अरबों रुपए की है। मुझ पर भरोसा रखिए राजा साहब, ये मरेगा नहीं। कौन हो देवी? मैं एक दुखियारी हूँ पुजारी जी, इस जंगल में भटक रही हूँ। एक रात के लिए यहाँ शरण मिल सकती है, सवेरे होते ही चली जाऊंगी। मंदिर के द्वार तो घोर पापियों के लिए भी खुले रहते हैं, फिर तुम तो एक अबला नारी हो माता, तुम चाहो तो इस मंदिर में विश्राम कर सकती हो। मंदिर के पिछवाड़े मेरी एक छोटी सी कुटिया है, जहाँ ये सेवक अकेला ही रहता है। पुजारी जी, तेरा उद्धार करने आए हैं, आ उधर चल। खबरदार, नीच पापी, माँ आपकी थो है तुझ पर। अरे चल ना, चल, छोड़ दे मुझे। अरे चल, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़, मत छोड़, हट जा। बच के कहाँ जाएगी? राजू, माँ, दुनिया
नमस्ते मौसी। अरे बंटू आ गया तू, ये कौन है? ये मेरा यार है राजू, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। मौसी इसे भी काम पर रख लो ना। अरे दारू की भट्टी में बच्चों लोग का क्या काम? मेरा बाप मर गया है, माँ को अस्पताल में भर्ती करना है, वो सड़क पर पड़ी है, बीमार है। मेरी माँ को बचा लो मौसी, मेरी माँ को बचा लो। राजू बहुत अच्छा लड़का है मौसी। रमाकांत। हाँ माँ। ये मेरा बेटा है रमाकांत, और ये राजू है। हाँ बंटू की तरह इस बेचारे का बाप भी नहीं है, और इसकी गरीब माँ सड़क पर पड़ी है। अगली बार जब तुम माँ लेके बाजार जाओगे ना, तो राजू को भी साथ ले लेना। पर राजू मैं तुमको ज्यादा दिन तो इधर रख नहीं सकती, तुमको जल्दी कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। अरे इसमें सेब भी है, अरे इसमें संतरे भी है, अरे इसमें ब्रेड भी है, अरे इसमें बिस्किट मक्खन भी है। माँ ये तुम्हारे लिए दवाइयाँ, और मेरी नन्नी मुन्नी बहन के लिए ये दूध। अरे बेटी ये सब तो कहाँ से लाया, और हॉस्पिटल का खर्च कहाँ से किया? मैंने काम धंधा शुरू कर दिया है माँ। ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है बेटी। माँ तुम चिंता मत करो, ये लो सेब खाओ, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ। एक का दोई दो का चारे, चार का आठ है, एक का दोई दो का चारे। क्या बे तुझे क्या चाहिए? बटुआ। ये? हाँ। अली अली राजू ये ले, राजू मैं भी आ रहा हूँ। हवालदार लाल भड़ा। बोलो इंस्पेक्टर राजकुमार कड़क। हम तो पुलिस के भेस में हैं ही, भले काम में असली पुलिस को भी साथ में क्यों ना ले लें। असली पुलिस? आइडिया बुरा नहीं है गुरु। तो फिर हो जाओ शुरू। अरे तुम लोग ऐसा क्या करते था? साफ पूछता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पे? हड़तालियों का जुलूस निकलने वाला है सर इधर से, इसीलिए हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। हवालदार लाल भड़क। इंस्पेक्टर राजकुमार कड़क। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कशाला या गरीब लोगों ने तो ठंडी थुबो खेल है जी। अरे इन गरीब लोगों को ठंडी में किसने खड़ा किया है? अरे इन लोगों को मालूम नहीं है कि हड़ताल कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया सर, इनको मालूम नहीं। अरे वायरलेस से खबर नहीं दिया क्या इनको? सर मुझको लगता है कि वायरलेस की बैटरी डाउन हो गई, इसने ये लोग अभी तक यहाँ पे खड़े हैं। हाँ बराबर बराबर। और इनका ड्यूटी क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? ड्यूटी चेंज हो गई। अभी तुम लोग अपना वैन में बैठ जाओ और हमारे पीछे पीछे आओ। चलो 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 चलो। अरे साथ में बोलता करो, जल्दी जल्दी। भागो पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। अगर कोई हिला तो उसे दुनिया से हिला डालूंगा, और चमाइला कोई होशियारी की तो उसे मिट्टी में मिला डालूंगा। चमाइला कुत्तरड़े कुत्तरला नगड़े फिरते हैं। हवलदार लाल भड़क। इंस्पेक्टर राजकुमार कड़क। दिखाओ इन सबको पुलिस चौकी का सड़क। अभी ला सरकार। ए हवलदार लोग इन सब का पार्सल बना डालो। पकड़ लो, इन सबको गिरफ्तार करके ले चलो थाने। कोई भागे नहीं भाई। ए हिल, अंदर अंदर। ए कौन है भाई? हुजूर इधर तशरीफ लाइए। क्या बात है क्या बात है, तुम कौन है? इस क्लब का सेठ है? हैं जुआ चलाता है बदमाश, अंदर कर दूंगा तेरे को भी। अरे क्या जुल्म कर रहे हैं, हम तो आपके खिदमतगार हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो पूरी कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हुजूर कड़क साहब क्या है? ये हमारे खिदमतगार हैं, वो कुछ खिदमत करने की बात कर रहे हैं। ये खिदमत क्या होता है? ये होती है सरकार। अच्छा इसके 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 अंदर कितना खिदमत है? हाँ कितना खिदमत है इसके अंदर अभी? 10,000। हवलदार लाल भड़क। यस इंस्पेक्टर कड़क। इसका एक घटिया खिदमत सरकारी खजाने में जमा करो और इसको सरकारी कंगन पहनाओ। सरकारी कंगन? अरे क्या कर दिया, 10-20 हजार की खिदमत तो सांप के दांतों में अटक जाती है, सोच समझ के बात कर।
50, पेट नहीं भरा, 1,00,000। अबे एक डकार तक नहीं आई, 1,00,000, जैसे साहब ने 1,00,000 देखा ही नहीं। अरे लाखों को तो ऐसे फेंकते कि कुछ भी कर ले। 1,00,000, 1,00,000, सोच समझ के बात कर, और देना हो तो दे, नहीं तो जा। 2,00,000, 2,00,000, पीछे आ जा बेटा, जल्दी जल्दी कर। इंस्पेक्टर कड़क साहब, इसको माफ कर दिया। आए को? बहुत गरीब और शरीफ आदमी लगता है। इसकी बाई आंख, नहीं सॉरी, दाई आंख से शराफत फड़फड़ फड़फड़ कर रही है, और फिर मुनासिब कोई नहीं, कोई नहीं। हां वजंदर मानुष है। हां ठीक है, पतली गली किधर है? एक ही गली है क्या? हां अभी गड़बड़ निकलने का क्या? चल चल, ईमानदारी से जीने का। हां भाई राकेश, राकेश प्लीज अपने पापा को फोन दीजिए ना। ओके राका, पापा के लिए फोन है। सर फोन। जगे। मैं रॉयल सेफ का मालिक का कस्तूरीलाल बोल रहा हूँ। बोलो। आपके हिस्से का 25% तो मैंने ले लिया था। नहीं मतलब कि मैंने 2 दिन पहले भिजवा दिया था, फिर ये पुलिस यहाँ कैसे आ गई? क्या पुलिस? इतना ही नहीं सर, वो तो मुझे भी पकड़ के ले जाना चाहते थे, लेकिन 2,00,000 देके मैंने अपनी जान बचा ली। अब ये धंधा बंद करना पड़ेगा। नहीं, तुम निश्चिंत होकर अपना धंधा जारी रखो। करेंसी पर चाहे सरकार के नाम की मोहर है, लेकिन इस इलाके में सिक्का हमारे नाम का चलता है। राका, एसपी को फोन लगाओ। हेलो एसपी। यस बॉस। एसपी के बच्चे, क्या तू ये भूल गया कि तेरे जिस्म पर खाकी वर्दी और रगों में दौड़ता हुआ खून दोनों हमारी वजह से सलामत हैं? मैं ये बात कैसे भूल सकता हूं जेके साहब? तो फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर हमारे रॉयल क्लब में छापा मारने कैसे पहुंच गया? जवाब दो। आपके यहां पुलिस का छापा? उस ऑफिसर को फौरन हमारे हवाले करो। मैं अभी पता लगाता हूं साहब। पुलिस की इतनी हिम्मत कि हमारे अड्डे पर छापा मारे? जेके के मुंह में इतने दांत हैं कि उस पुलिस ऑफिसर को कच्चा चबा जाए जिसने जेके के इलाके में अपनी वर्दी का जलवा दिखाया है। या जस्ट अ मोमेंट। जेके साहब, मैंने पूरी इंक्वायरी की है, पुलिस के किसी ऑफिसर ने यह छापा नहीं मारा है साहब। क्या इसका मतलब है ये वही लुटेरा है जो बार बार हमें और हमारे साथियों को लूटता रहता है? और तुम रंजीत और रॉबर्ट, तुम में से कोई भी उसे नहीं पकड़ सका, सबके सब निकम्मे हो। एक मामूली सा चोर, एक अद्दा सा ठग, तुम भी उसे नहीं पकड़ सके। लानत है, जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया, मैं उसके जिस्म से उसकी जिंदा चमड़ी उतार दूंगा। वो पुलिस की वर्दियां दोनों जरा चेक कर लेना मेरे भाई। चल यार जल्दी कर ले। लो थारो 500 रुपया, जरा गिन लेना, भरोसा नहीं। मजाक कर। शो कैसा था? अरे शो हमारा हमेशा फुल होता है। चल बंटू जल्दी चल, बहुत कुछ खरीदना है अभी। चल 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 जल्दी कर। माँ तुमने बताया नहीं कब शिफ्ट करना है नए फ्लैट में? मैं राजू को अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ अब मैं एक अच्छा खासा वकील बन चुका हूँ, ऐसी जगह में रहने से मेरी पोजीशन में फर्क आता है। ये ले 5 रुपए। कंजूस। भैया राजू भैया, ये टाइम है आने का? माँ ये अपने चंद्र भैया क्या बड़े वकील हो गए, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ी भी लेने के लिए आते हैं आजकल। अच्छा अच्छा, अब जरा इधर ध्यान दो। सूरज भैया को राखी भेजी। लो उनका तो जवाब भी आ गया है। अच्छा, और मनी ऑर्डर भी। क्या लिखता है? लिखा है पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे तो डबल मिठाई खाऊंगा। अच्छा ये एक और ये दो। ये ले साड़ी और ये 10 रुपए जो कि बहुत कम है मगर रख लो। चल जाके इसके लिए कुछ खाने को ले आ। थैंक यू भैया। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। ये और क्या ले आया तू? ये तेरे लिए शॉल लाया। अरे आशा जल्दी कर, बहुत भूख लगी है, 10 बज गए। 10? अरे बाप रे, इसे पकड़ो माँ, मुझे कॉलेज को देर हो गई। अच्छा माँ, अच्छा भैया चलती हूँ। हाँ ध्यान से। ये ले माँ तेरा नया प्रेशर कुकर।
इस घर के लिए तो तू हर चीज ले आता है, कभी अपनी तरफ भी देख बेटा। कमीज फट गई और ये पुराना अंगूठा। अरे मुझे कौन सा सरकारी नौकरी पे जाना है माँ। इसलिए तो हमेशा कहती रहती थी कि कुछ पढ़ लिख ले, आज तू भी इन सब की तरह जज वकील बन गया होता। रात भर नाटक कंपनी में काम, दूसरों को पढ़ाने लिखाने में ही अपनी जिंदगी बिता दी। कितने का लाया ये सब? क्या अरे से तुमको क्या करना है? आशा अपना पर्स तो यही भूल गई। अरे वो तो रिक्शे में गई है, वो पैसे कैसे लेगी? एक काम करता हूँ, जाकर पहले उसे पर्स देकर आता हूँ। अरे राजा नाश्ता तो करके जा। अरे हाँ, अरे भूख तो बहुत लगी भाई। ले पकड़। अरे सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, जब देखो भागता रहता है। ले खा। मां तुझको पकड़, देखो पढ़ना। मैं रोटी में लपेट के ले जाता हूँ, बाद में खा लूंगा। रवि कब तक हम यूं ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? जाने क्या क्या बहाने बनाकर तुम्हारे पास आ पाती हूँ, कभी किसी को पता चल गया तो। भैया तुम अपना पर्स बुलाई थी इसीलिए भागते हुए मैं कॉलेज गया, मगर वहां मालूम पड़ा कि कॉलेज तो बंद है। यहाँ किसी और काम से आया था कि तुम पर नजर पड़ी। क्या ले लो पर्स। ये माशा कौन है? ये रवि है। चल तुम घर चलो, चलो। अच्छा रवि मैं चलती हूँ। मिस्टर रवि आपके पिताजी कहाँ मिलेंगे मुझे? मेरे माँ बाप नहीं, मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ? जी, दुनिया में अकेला हूँ। देखो मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी सिर्फ एक ही बहन है, अगर उसकी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भाई साहब मैं एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और जहां तक खिलवाड़ का सवाल है तो आज मैं आपसे आपकी बहन का हाथ मांगता हूँ। हाथ मांग रहा था वो तेरा, क्या जवाब दो? जैसा आप ठीक समझे। सोचूंगा, तू घबरा मत। भैया क्या बात है भाई? मियाँ गंगू मेरा गोश्त देखची पर डाल को आया मैं। ये जरा नाश्ता बेबी को दे के आना। तो बेबी और पूरी डायन है डायन, इस चेहरे पे चांदमारी का निशान देख ले मेरे भाई। क्या मियाँ तुम्हें लोग एक छोटी सी बच्ची को खामा खा बदनाम कर रहे हैं? मैं ना खुद जा को नाश्ता दे को आता मई काट रहे तुम्हें। क्या लोग कैसी बात कर रही भाई गंगू? हाँ भैया अब राटा टूटने वाला है। चलो उल्टी गिनती शुरू कर दो। मेरा पांच चार तीन दो ए सरकार ये देखो मेरे को मार को डाले, मेरे को खून को निकाल डाले सरकार। मेरे को क्या कर डाले इन लोग, दीदी जी को समझाओ तुम्हें। बेटी घर के नौकरों की आज फिर धुलाई हो रही है क्या? नौकर माय फुट, मैंने नाश्ते में केला मांगा था, वो डफर पपीता ले आया। बेटी पपीता तो बहुत अच्छी चीज है, उससे पेट और दिमाग दोनों ठंडे रहते हैं। जब मुझे केला पसंद है तो मैं केला ही लूंगी, अगर नहीं मिला तो इन नौकरों को जूतों से मार मार कर ठीक कर दूंगी। आखिर मैं किसी मामूली आदमी की नहीं आपकी बेटी हूँ, एक करोड़पति की बेटी हूँ। ओह माय गॉड, मुझे फिर देर हो गई, मैं चलती हूँ।
बाल बच गया, उसने तो इसे मार ही दिया था। शुक्र है बच गया। मेरी दवाई की शीशी। अरे बेटा माफी मांग ले बेटा। बेटा तू इन्हें नहीं जानता ये कौन है। लो वो आ गई। यू ब्लडी फूल, अंधा है क्या? सड़क तेरे बाप की है। मेरी माँ बीमार है, अब मैं अपनी माँ को दवाई कहाँ से दूंगा? जुबान लड़ाता है। खैर अभी दिखाती हूँ, कुत्ता कहीं का। बदलेंगे जब दिन इनके, लेंगे बदले ये बदले गिन गिन के। बदलेंगे जब दिन इनके, बदलेंगे जब दिन इनके, लेंगे बदले ये बदले गिन गिन के। बदलेंगे जब दिन इनके, बदलेंगे जब दिन इनके। Not you.
हे परमात्मा, मुझे कैसे कसाई खाना दिखाई दे रहा है। कैसा कसाई खाना बे? अरे भैया तू बकरा, लड़की का बाप कसाई, लगता है श्योर 100% मौत आई। भाई साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ दिनों के लिए पतली गली में निकल जाओ, सांप के बिल में हाथ डाला तुमने। मंटू न समझ मुझको घंटू, अगर मैं सांप के बिल में हाथ डालना जानता हूँ तो बीन बजाना भी जानता हूँ। अरे ओ सोरा मोदी, बीन वो तेरी बजा देगा तेरी। देख जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है। भाई साहब मेरी बात मानो, मैं आपके पांव पड़ता हूँ तातश्री, कुछ दिनों के लिए पतली गली में निकल जाओ। अरे ये बकरा, हे परमात्मा, ये किस कसाई से जाके टकरा? आपका माफ कर दीजिए, आपका माफ कर दीजिए, आपका माफ कर दीजिए, आपका माफ कर दीजिए। चालू राम के बच्चे, तुझे एमएलए मेरे पैसे ने बनाया है। आप क्या कहते हैं अन्नदाता? मैंने तुझसे 10 दिन पहले कहा था कि कल सिंगापुर की पार्टी समंदर के रास्ते मेरे लिए कीमती हीरे ला रही है, इसलिए पुलिस का पैरा वहां से हटवा देना। और आज तू मुझसे ये कहता है कि ये काम नहीं हो सकता? अन्नदाता, दिल्ली का स्पेशल फोर्स समुद्र का राउंड मार रहा है, यहाँ की पुलिस नहीं है। दिल्ली फोन लगाओ के जेके का माल आने वाला है। अन्नदाता, दिल्ली में हमारा पार्टी का सुनवाई नहीं है। दूर हो जा मेरी नजरों से। आओ चंद्र बैठो। अजीब मुसीबत में फंस गए हम, अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल आइडिया सर। जानते हैं 1942 के मूवमेंट में जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था तो हम कोमर में बम बांध के नाव के नीचे घुस जाते थे, वैसे ही सर हम सब हिरवा को बांध के नाव के नीचे घुस जाएंगे। पनिया में हमको देखेगा कौन सर? बेवकूफ कहीं का, जब देखो 1942 की डिंगे हाँकता रहता है, पानी के ऊपर इतनी बड़ी नाव पुलिस को दिखाई नहीं देगी। नमस्ते सेठ। फिल्म प्रोड्यूसर है डैडी, अपना ब्लैक का पैसा इसकी फिल्मों में लगा के व्हाइट कर लेते हैं। वरी सेठ, सवेरे अपनी फिल्म का शूटिंग है नी, आपने बोला था पैसे का इंतजाम करके भेज देगा, बाद में आना। बड़ी सेठ, गवर्नमेंट का परमिशन वर्मिशन सब हो गया नी, सवेरे सिल्वर बीच पर बोट भी आ जाएगा। ओफो, कितना चाहिए? यही कोई 50,000 में सेठ काम चल जाएगा, जरा सा तो सीन करने का। एक बोट से नकाब पोश स्मगलर लोग आता है, एक ब्रीफ केस में चरस गांजा लाके किनारे खड़ी पार्टी को देता है और दूसरे ब्रीफ केस में पैसा लेके जाता है। तुम्हारी ये फालतू कहानी मुझे नहीं सुननी, राकेश से 50,000 लो, दफा हो जाओ। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। सर आपकी परेशानी अगर मैं दूर कर दूं तो? पापा ये मेरा दोस्त है चंदर, हम लोग क्लासमेट थे, आजकल वकालत कर रहा है। तू क्या कह रहा था लड़के? कल जो शूटिंग होने वाली है उसमें फिल्मी एक्टरों की जगह सब आपके नकाबपोश आदमी होंगे, शूटिंग वाली बोट की जगह आपकी सिंगापुर वाली बोट किनारे पर लाई जाएगी। बोट से उतरकर सिंगापुर के स्मगलर्स सबके सामने आपके आदमियों को एक ब्रीफ केस में असली हीरे देंगे और बदले में आपके आदमियों से दूसरे ब्रीफ केस में अपने रुपए ले जाएंगे। देखने वाले समझेंगे कि फिल्म की शूटिंग चल रही है और पुलिस का भी कोई डर नहीं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बैरिस्टर दयाल, बच्चे की बात में बहुत दम है। अरे पापा इसलिए तो मैं अपने दोस्त को साथ में लाऊं, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। अपने दोस्त को विस्की पिलाओ, ऐश कराओ, आज से हमारा खास आदमी है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राका, कल की शूटिंग में तू नकाबपोश बनकर रुपयों भरा ब्रीफ केस सिंगापुर की पार्टी को देगा और बदले में हीरो भरा ब्रीफ केस लेकर सीधा यहाँ आएगा। ओए सारा प्लान समझ गया लाली की जान, सारा प्लान समझ गया, मगर ये तो बताओ कि ये सफेद गाड़ी का ड्राइवर कौन खंजीर का बच्चा होगा? कल्लू राम। कल्लू राम, और ये रहा उसका पता। ओए ये लल्लू कल्लू है। ओए बिरादर, तुम अपने मालिक का हर खबर हम लोगों को बताती, मगर अल्लाह का जान तुम अपने मालिक के साथ नमकहरामी क्यों करते? क्यों करते? तुम ये सवाल मुझसे कई बार कर चुके हो, आज मैं बता ही देता हूं। मैं सीआईटी का आदमी हूं। सीआईटी? कितना गंदा मजाक कर। ओए काफी गंदा मजाक कर। ये मजाक नहीं है, जेके को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए मुझे उसके गिरोह में भेजा गया, लेकिन उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया।
ओए खोजे राज तुम हमको क्यों बताया? क्यों बताया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि असलियत में तुम राजू हो और ये बंटू है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इन बदमाशों का माल लूट कर तुम गरीबों की मदद करते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते। ओए बख्तावर, ओए हमको अफगानिस्तान का चिलगोजा याद आ रहा है। चलो भाग जाते खाने के लिए। इन्हें पहचानते हो? अरे ये तो मौसी है। इन्हीं की बदौलत तो हम लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब हुई थी। ये तो शराब बेचती थी ना? शराब बेचने का तो सिर्फ एक बहाना था, असल में पुलिस को वो गुंडों की खबरें देती थी। लेकिन तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? मैं उन्हीं का बेटा हूँ। एक दिन भेद खुल गया और गुंडों ने मेरी माँ को मार डाला। उसके बाद पुलिस ने मेरी परवरिश करके यहां तक पहुंचाया। रमाकांत? हाँ, मेरे भाई। अच्छा एक काम करो, अभी अपना 50 लाख वाला ब्रीफकेस मुझे दो और ये तुम रख लो। इसमें क्या है? रद्दी के कागज हैं। अरे इससे तो मैं सीधा पकड़ा जाऊंगा। अबे नहीं पकड़ा जाएगा यार, पहले पानी तो पी ले। टेंशन करता है मेरे होते हुए पागल। पी अभी। हाँ अब बच जाएगा। वो कैसे? इस पानी में एक दवा मिली हुई थी भाई। दवा? कैसी दवा? अबे डरता क्या है, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, समझा? अब एक काम कर, नकाब से अपना मुंह ढक ले और जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जा, जल्दी। हाँ बोट रेडी, नाउ रेडी, रेडी सर, कैमरा, लैप इन, 4x20 टेक 1, एक्शन। अपने बॉस का जवाब नहीं, हमारे हीरे आराम से एम्बेसडर गाड़ी की तरफ चले आ रहे हैं। बॉस का हुक्म है कि हमें उस गाड़ी को अपने साथ लेके चलना है। जल्दी जीप में बैठो, चलो। ये लोग तो किसी और रास्ते से जा रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। पीछा करो उनका, पकड़ो उन्हें। चल रहा है, जरा गाड़ी रोको। अरे पुलिस, पुलिस, इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बड़े खतरनाक स्मगलर हैं। इस सफेद गाड़ी में लाखों रुपए की हीरे हैं और उसमें 50 लाख रुपए हैं। तुम कौन हो और ये नकाब किस लिए? अगर नकाब निकाला और इस सांड ने मुझे देख लिया तो बाद में मुझे पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी? तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं गाड़ी के बोनट पे आपका वेट करता हूँ। लाओ लाओ ब्रीफकेस। गिरफ्तार कर लो इन्हें और ले जाओ पुलिस स्टेशन। वो नकाबपोश कहां भाग गया? ढूंढो उसे भी। इंस्पेक्टर राम से हमारे आदमी को गिरफ्तार करेगा? तू ये कैसे भूल गया कि हमारे हाथ कानून के हाथों से ज्यादा लंबे और मजबूत होते हैं? हर मुजरिम यही सोचता है जेके, लेकिन हर जुर्म का अंत एक ही होता है, कानून के हाथ और मुजरिम की गर्दन। रॉबर्ट, एसपी को फोन लगाओ। एसपी। हुक्म कीजिए जेके साहब। तेरे एक बेवकूफ इंस्पेक्टर ने, जिसे ईमानदारी के खटमल ने कुछ ज्यादा ही काट रखा है, उसने हमारा माल और कुछ आदमी अपने कब्जे में कर रखे हैं। कौन है वो? इंस्पेक्टर राम सिंह, जो इस वक्त हमारे सामने एक पागल कुत्ते की तरह बंधा खड़ा है। जरा उसे फोन दीजिए प्लीज। इसे फोन दो।
हेलो सर, मुझे इन बदमाशों ने बहुत मारा है सर, और मुझे शराब जेके के आदमियों को तुरंत छोड़ दो। उनका सारा माल उन्हें वापस करके मुझे रिपोर्ट करो। लेकिन सर इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, इट इज माय ऑर्डर। सर तूने हमें खून करने से बचा लिया, लेकिन अपने इलाके में हमें यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। सर मैं आज ही उसके ट्रांसफर के ऑर्डर ऊपर से मंगवा लेता हूं, आप बिल्कुल फिक्र न करें साहब। रॉबर्ट इस इंस्पेक्टर के साथ जाओ, हमारा सारा माल और आदमी ले आओ। मिस्टर चेंगली तुम यहां कैसे? जगी साहब, हमारे बॉस चांग कांग ने सिंगापुर से अपने वादे के मुताबिक असली हीले भेजे, लेकिन बदले में हमें आपके आदमी से 50 लाख की जगह ये मिला है। लद्दी कागज। ये कैसे हो गया? किस हराम सादे ने ये जुर्रत की है? अंडो, इसमें से आधा रुपया राका को दे देना। ठीक। आधे में से 5% अपने खाने पीने के लिए रख लेना। करेक्ट। और बचे हुए पैसे अटैची में डालकर सेंट्रल स्टेशन के क्लॉक रूम में रख देना। और उसकी रसीद लाकर मुझे देना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन आ गया? राजू कौन है? क्यों बे पलटू, क्या बात है? मैं हूँ राजू। ये लो। ये क्या है? अबे इसमें कोई बम बम तो नहीं है? ले लो यार, राजू के लिए चिट्ठी है। अबे आंख मारता साले, चिट्ठी है। ले भाई, आ गया मौत का फरमान लड़की के बाप का। तेरी आखिरी इच्छा पूछी होगी? फांसी देने से पहले पूछते हैं ना। बकवास मत कर यार, देख क्या लिखा है। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, आजा मेरे पीतंबर नाथ। कल दोपहर का लंच अगर आप मेरे साथ करें तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ कर दिया। हाय विहार लेक पिकनिक स्पॉट पर आपकी राह तकूंगी, आपकी मिनी, आपकी। ओ ये चक्कर क्या है भाई साहब? बकरे को हलाल करने से पहले उसको पेट भर जैसे खिलाया जाता है, वैसे ही आपको दावत दी जा रही है। कितनी मुरम्मत तो करेगी ना, खानदानी लड़की है। भाई साहब तैयार हो जाइए, मुझे दाल में काला नजर आता है। आपको भी काली दाल बहुत पसंद है? आइए। अपना शिकार आ गया, चलो चलो चलो। आपने बुलाया और मैं अपनी फटपटिया पर दौड़ा चला आया। थैंक यू सो मच, मेरी फ्रेंड्स आपको मिलने के लिए बहुत बेचैन है। सब नमस्ते करो श्रीमान जी को। अरे बाप रे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा इंद्र के दरबार में घुस गया हूँ। चारों तरफ अप्सराएं ही अप्सराएं हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। कैसे? नहीं नहीं, करिए ना, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। अगर कुछ देना ही है तो मुझे माफी दे दीजिए। हाय। अरे अरे, आप तो गिर गए। मैं तो गिर गया, आपकी माफी मांगने की अदाई कुछ ऐसी थी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, दोबारा दोबारा माफी मत मांगिएगा। क्या है कि बार बार माफी मांगेंगे ना तो आपकी और मेरी दोनों की कमर बल खा जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया। ब्यूटीफुल, मार्वेलस। क्या हुआ गर्ल्स, तुमने इनकी पोशाक देखी? मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी एयर कंडीशन पोशाक देखी है। अजय कपड़े फटे हुए तो क्या हुआ, अंदर दिल तो बादशाहों का है। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ये देखिए बादशाही महल की खिड़कियाँ, हवा महल। क्यों पसीना छूट रहा है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जब आप जैसी जवान कन्या की उंगलियां मुझ जैसे हट्टे कट्टे और जवान पट्टे के सीने पर रहेंगी तो पसीना नहीं छूटेगा क्या? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आइए लंच हो जाए। चलिए आओ हमारे साथ। आइए, ये सरकारी मेहमान आपके लिए खास तौर पर बुलवाए हैं। हाँ हाँ। ये सिर्फ खाना खिलाते ही नहीं
खाना हजम भी करवाते हैं। यानी कि खाने के साथ साथ चार बाटली चूरन भी है आज। चलो भैया श्री गणेश किया जाए, क्या बनाया है? ओए होए 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 बेवकूफ, तेरी औकात तो मेरी सैंडल पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। ये कैसा लंच है जी? इससे पहले तो मैंने इस तरह कभी नहीं खाया। लंच खाने आए हैं? इसको ऐसे मारो पंच कि भूल जाए लंच। नहीं, घेरा तिकड़ धागे तिकड़ धागे, घेरा तिकड़ धागे तिकड़ धागे। वेरी गुड, हाथ तोड़ने का 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया हाथ तोड़ना। अरे ऐसा मत करो कुत्तो, अरे मत मारो। बकअप, पाँव तोड़ने का 200 रुपया, 200 रुपया, टांग तोड़ने का 200 रुपया, अरे टांग तोड़ो, हाथ तोड़ मेरा पाँव। हाँ मजा हो रहे हैं। अरे अबे चार चार बोल। शाबाश, इसका जबड़ा तोड़ने का 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। हाँ जबड़ा दो, जबड़ा दो, जबड़ा दो। इसकी खोपड़ी का तरबूज बना दो, गाजर का हलवा बना दो। अरे नादान लड़की, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने एक जवान की जवानी खराब कर डाली। मारो और मारो। रुक जाओ कुत्तो, तुम्हारी जात का पैदा मारो। सबके सब अपने आप को मोहम्मद अली किले की औलाद समझते हो क्या? तुम लोगों ने कभी ब्रूस ली की फाइट देखे ली है क्या? मैं दिखाता हूँ। रुक जा। एक पेड़ पे थी भिंडी जिस पे चढ़ गई सरकंडी, उसके बाप की थी भिंडी जिस पे चढ़ गई। ये क्या, तुम चार चार भैंसे हो और ये अकेला? कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची, कुछ ऊंची पूछ का ऊंट ऊंचा। चाल। अरे मारो इसे। गिर की तू जा। 50,000 दूंगी। अरे नहीं चाहिए तेरे 50,000, हमें अपनी जान नहीं गंवानी। भागो भागो भैया, भागो भागो भागो। क्या? हाँ क्या? तेरे पंच वाले तो सब भाग गए, अब मेरे को लंच कौन खिलाएगा? मुझे क्या पता, दावत देके बुलाती है फिर ठेंगा दिखाती है। चल खिला। जुबान संभाल कर बात कर बदतमीज। तुझे अपने में और मुझ में फर्क दिखाई नहीं देता? दिखाई तो देता है। मेहमान हवादार और एयर कंडीशन कपड़ा पहने और मेजबान सादे कपड़े में खड़े है, बहुत नाइंसाफी है ये। इस दिन के और उस दिन के, इस दिन के और उस दिन के, लिंग बदले ओ बदले गिन गिन के। अब हमें प्लेट में लंच खिलाओ, भोजन। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। अरे बाजार गरीबों को जूता मारना आता है, मुझे गुंडों से पिटवाना आता है, और जो काम लड़कियों को आना चाहिए वो नहीं आता है। हम सिखाएंगे तुझे लंच।
भोजन अच्छा था, ये जो मीठा है ना ये वाला फिर कभी खाऊंगा। अरे बाप रे क्या मर्द बच्चा है। ओ शट अप, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बात है बेटी, ये कपड़े कैसे फट गए? कुछ नहीं। मिनी, मिनी बेटे, मिनी, मिनी, मिनी क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? मुझे क्या पता डैड, पूछता हूँ अभी। मिनी, मिनी बात तो सुनो, रुको। ये आपकी? ये है मेरी बेटी मिनी, लगता है अपनी किसी सहेली से लड़कर आई है, बहुत गुस्से वाली है। माँ, आशा, सूरज भैया आ गए। अरे आशा कैसी हो तुम? माँ, सूरज बेटा। नमस्ते माँ। अरे नमस्ते, क्या पाँव छुआ पाँव? और तू खड़े मुँह के देख रही है? सूरज भैया के लिए मिठाई लेके आ जा, पानी लेके आ। मैं अभी आई। सूरज भैया इंस्पेक्टर बन गए और चंद्र भैया वकील, कितनी खुशी की बात है ना माँ? हाँ बेटा, मुँह खोलो। ताली बजाओ सब लोग, ताली ताली ताली। ये तो ताली बजाना, अभी तक मैं थाली खाली करता हूँ। और नहीं तो क्या। से हम तेरे इशारे पर इस जंगल की खाक छान रहे हैं, लेकिन आज तक सोना तो क्या, सोने का निशान तक नहीं मिला। बता कहां छुपा रखा है सोना तूने? तुमने अपने हंटरों से मेरी खाल खींची, इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर मेरा खून निचोड़ा। अगर आज तक मेरी जुबान न खुली तो अब क्या खुलेगी? ये तुम्हारे पिता का खून है जो 20 साल से इस रुमाल से लिपटा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है कि उनके बेटे जवान हो और उनके खून का बदला चुकाए। साहब, ये इंस्पेक्टर सूरज है, इसे मैंने इंस्पेक्टर राम सिंह की जगह पर आपके इलाके में तैनात कर दिया है साहब। इसे हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? यस सर, मुझे एसपी साहब ने सब कुछ समझा दिया है। मुझे वर्दी सरकार की पहननी है और नौकरी आपकी करनी है। ठीक है, हम कभी अपने कुत्तों को भूखा नहीं रखते, उन्हें असली घी और ताजा गोश्त खिला खिला कर मोटा रखते हैं। एसपी जी साहब, जो हीरे इंस्पेक्टर राम सिंह ने पकड़े थे वो तो मिल गए, लेकिन अब तक हमारा खोया हुआ रुपया नहीं मिला और ना ही अब तक उस लुटेरे का सुराग मिला है जो उस रुपए को ले उड़ा था। सर, एसपी साहब से इस केस की पूरी डिटेल्स मुझे मिल चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं उस बदमाश को बहुत ही जल्द पकड़कर आपके कदमों में फेंक दूंगा। एक बार मेरे उस दुश्मन को पकड़ कर ला दे, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि धरती का कलेजा कांप उठेगा, उसके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे एक एक को चुनकर कत्ल कर दूंगा मैं। बदलेंगे जब दिन इनके, बदलेंगे जब दिन इनके। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार, नफाखोरी और जमाखोरी जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएगी। बम्बई से 150 किलोमीटर दूर कसारा घाट में कुछ स्कूल के बच्चे पिकनिक मना रहे थे। खेल खेल में एक लड़के ने अपने एक साथी को धक्का मार दिया जिससे वो नीचे बहते झरने में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन उस बच्चे की लाश बरामद हुई। अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता, तेरी मौत का रास्ता मेरे हाथ में है।
पानी का झरना, कसारा घाट। माय गॉड, तुम तो पहचाने नहीं जा रहे हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम, एकदम रियल प्रिंस। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कपड़े धोखा देते हैं मैम साहब, इन कपड़ों के अंदर कोई चोर गुंडा या मवाली निकला तो। मैं चोर बदमाशों से नहीं डरती। नहीं डरती? खैर आप मुझे ये बताइए कि शहर से 150-200 मील दूर इस घने जंगल में आपने मुझे किस लिए बुलाया? आज फिर हमारी दावत का इंतजाम है क्या? राजू, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना बदल दिया है। बदल दिया? मैंने आपको? हाँ तुमने। अपने सामने घुटने टेकने वाले मर्द तो मैंने बहुत देखे हैं, मगर मुझ जैसी लड़की को अपने कदमों में झुकाने वाला मर्द मैंने पहली बार देखा है। मालूम है? शायद तुम नहीं जानते, एक लड़की को सच्ची खुशी मर्द को झुकाकर नहीं, उसके सामने झुककर होती है। मालूम? सब कुछ मालूम है। एक बात पूछो। पूछो ना। उस दिन आप जब अपने घर फटे हाल पहुंची तो उस हालत में आपको देखकर आपके घर वालों ने कुछ नहीं पूछा? हाँ, मेरे भाई ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने बनाया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम सिर्फ उसका नाम बताओ। तो फिर आपने मेरा नाम बताया? नहीं। क्यों? जानना चाहते हो? जूते उतारो। जूते? हेलो, ये जैकेट उतारो। वो क्यों? उतारो तो। ठीक है, ये लो। गुड, कमीज उतारो। कमीज उतारो। अब ये पैंट उतारो। पैंट? क्या बात करती हो, लड़की के सामने? नहीं, मुझे शर्म आती है ना। तुम ऐसे नहीं उतारो। ना 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 ना।
मैं यहाँ कैसे? आप फिसल कर झरने में गिर गई थी, आपको बचाने के लिए मैं भी कूद गया, बड़ी मुश्किल से बचाकर यहाँ लाया। अब आपकी तबीयत कैसी? ठीक है। भीगे कपड़े तुमने उतारे हैं? जी हाँ, मैंने उतारे, और कोई रास्ता भी नहीं था आपको बचाने का। उन भीगे कपड़ों में आप बुरी तरह से कांप रही थी, आपकी सांसें भी उखड़ रही थी, इसलिए रात भर आपको इस आग के करीब लटाकर मैं आपके बदन को सेकता रहा, और बाद में ये सूखे कपड़े पहनाकर ऊपर वाले से आपके अच्छा होने की मुरादें मांगता रहा। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का क्या आप ठीक हो गई। आप मुझे गलत मत समझिएगा, आप जैसी थी अब भी वैसी हैं। नहीं राजू, मैं जैसी थी अब वैसी नहीं रही। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी माँ को भगवान का रूप मानता हूँ, और उसी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप आज भी गंगा की तरह पवित्र हैं। इस तरह आंसू बहाकर आप मुझे गुनहगार मत बनाइए। ये तो पश्चाताप के आंसू है राजू। आज अगर मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। राजू, बेटी सारी रात कहाँ थी? एक सहेली के यहाँ पार्टी में थी पापा। पार्टी में थी तो फोन कर देती। अरे ये चोट कैसी है? आज फिर किसी से लड़कर आई है क्या तू? सॉरी पापा। बॉस, आपके हुक्म के मुताबिक इंस्पेक्टर हाजिर है। उसे अंदर भेजो। इंस्पेक्टर। रॉबर्ट तुम बाहर जाओ। इंस्पेक्टर, मैंने तुमसे जिक्र किया था कि कोई लुटेरा बार बार हमारा माल उड़ाकर ले जाता है। मुझे याद है सर। मैंने उसे पकड़ने का प्लान बनाया है। आज दोपहर ठीक 2 बजे मैं एक ट्रक खंडाला भेज रहा हूं। उस ट्रक को राका चला रहा है। मैंने राका से यह कहा है कि उस ट्रक में 4 ऐसे बक्से हैं जिनमें सोना छुपा हुआ है। उस ट्रक का पीछा रंजीत करेगा और राका को यह बात नहीं मालूम। जो भी उस ट्रक के करीब आने की कोशिश करेगा रंजीत उसकी तस्वीर खींच लेगा, और जैसे ही वो ट्रक खंडाला घाट पहुंचेगा तुम उस ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग करोगे। समझ गए? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, अगर इस बार वो लुटेरा आया तो मेरे हाथों से बचकर निकल नहीं पाएगा। ओए ट्रक रोको! मैं क्या ट्रक रोक? ये पुलिस कहां से आ गई? और रुक, मैं क्या रुक जा, नहीं तो मैं ओ सत श्री अकाल रमाकांत, की हाल है तेरा पहचाना? अरे भाया, मैं तो तुम्हें नए रूप में देख के पहचान ही नहीं पाया, कमाल है। वो क्या है, जब भी हमें अपने किसी दोस्त या मजबूर का साथ देना होता है या किसी बदमाश की घंटी बजानी होती है तो हम इस तरह का रूप धर लेते हैं। क्यों तू? हाँ
इस बार इन शराब के बक्सों में चार बक्से ऐसे हैं जिनमें सोना जा रहा है। चार बक्से सोने दे, ओए कौन से है भाई? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अब संभालो माल, मैं चला। ओए सत श्री अकाल मकान, सत श्री अकाल। मैं रंजीत बोल रहा हूँ। बोलो रंजीत। राका ने माल से लदा हुआ ट्रक खुद ही पुलिस वालों के हाथों में सौंप दिया है। क्या तुमने उसके फोटो लिए? यस बॉस, दोनों पुलिस वाले सरदार हैं। तुम फोटो लेकर मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा। ओए पंगे नशे ले लोगो मार चुकिया। यही ट्रक है जेके साहब का। गाड़ी रोको और तुम सब तैयार हो जाओ। ओए वंटू, ये तो सूरज भैया है। ओए घेर लो इन सबको। ओए पाजले पाजले, हाथ ऊपर करो दोनों। शास्त्री अकाल साहब जी, सानू माफ कर दो, थोड़ी गलती हो गई। असी राजा तुसी प्रजा है। मतलब 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 है जी, 2000 रुपए लेके मामला रफा दफा कर दो। चुप, ये कौन है? ओए ये तो साडा क्लीनर है, मालिक तो मैं हां, साडा ट्रक है, एदा कोई कुछ नहीं, नवा नवा मुंडा। ए जा भाई जा, फोटो। ओहो इधर घूम, पीछे घूम। ओए गोली चल जाएगी। इंस्पेक्टर अपने आदमियों को कह दे कि अपनी अपनी बंदूक मेरे सिर दे हाथ दे, नहीं तो बड़ा खून खराब हो जाएगा। हाँ बंदूकें डाल दो। ओए सेठ जी। हाँ जी। एना दिया बंदूक इकट्ठा करके पानी छोड़ दो। अच्छा जी, तुझसे चलो। हाँ मैं हुने आया। अरे वाह भाई वाह। हाँ। हाँ। ओ भाई जी हिलना नहीं, गोली चला देगा। वाहे गुरु, दोनों दी रक्षा करना। ओए ओए हिलना नहीं, ओए हिलना नहीं। राजू तुम, अगर जेके को पता चल गया तो राजू के साथ हम लोग भी सब मारे जाएंगे। ये स्मगलर है, चोर है, डाकू है, बदमाश है। कमबख्त, बोलता क्यों नहीं, मुंह पर ताला क्यों डाल रखा है? अरे क्यों मेरे मुंह पर कालिश लगवा रहा है? अपना हाथ मेरे सर पे रख के कह दे कि सब झूठ है। तेरे सर पे हाथ रख के झूठ कैसे बोलूं मां? मुझे माफ कर दे मां। तू कब से ये कर रहा है? बचपन से। अब तो अपने कानों से सुन लिया ना, क्या अब भी कुछ सुनना बाकी है? लोगों का अगर ये मालूम पड़ जाए तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर मैं एक इज्जतदार वकील हूं। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं, इसके साथ रहा तो मेरी नौकरी चली रहेगी। तभी हम कहते थे इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ा, नाली का कीड़ा नाली में ही पनपता है। चल आशा। ए तू कहां जा रही है मां? तू कहां जा रही है? नहीं मां, मां मुझे माफ कर देना। मां माफ कर दे मुझे, तू ये रख देना मां। ए आशा तू बोलते क्यों नहीं है मां को? तू बोल ना मां को, तू बोलते क्यों नहीं है? ए मां ये क्या कर रही है? ये घर भगवान की पवित्र मूर्ति के लायक नहीं रहा। चल आशा। माँ मा, मैं माफी मांगता हूँ ना आशा, मैं माफी मांगता हूँ। सूरज भैया मैं माफी मांगता हूँ ना। संजय भैया, अरे माँ नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा सब छोड़ कर नहीं जा सकते। माँ माँ मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। तूने मेरा दूध पिया फिर भी मेरे माथे पर लिख दिया कि इसका बेटा चोर है। अरे निर्लज, मेरे दूध की तो लाज रख ली होती। माँ 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 मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। अरे आशा माँ तेरा बेटा हूँ। माँ मेरी माँ बाप भगवान सब तू ही तो है माँ। चल पीछे हट। चल भैया, माँ मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरी माँ नहीं। चलो ड्राइवर। ए टैक्सी वाला, गाड़ी मत चलाना, बहुत मार मारूंगा। माँ मैं टैक्सी नहीं जाने दूंगा। अगर तू मेरा रास्ता रोके तो मेरा मरा हुआ मुंह देखे।
भाग गया? कैसे भाग गया? मेरा शिकार तेरे हाथ में आकर कैसे निकल गया? तेरी इस लापरवाही की तुझे क्या सजा दें? आप यकीन कीजिए सर, एक न एक दिन मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। पकड़ लूंगा, गेट आउट। अपनी ये तस्वीर देख नमक हराम। लेकिन बॉस ये तो पुलिस वाले सरदार हैं, मैं इन्हें जानता तक नहीं, और फिर पुलिस के आगे मैं क्या कर सकता था बॉस? मुझे बेवकूफ समझता है नमक हराम? ले जाओ इसे, और जब तक ये अपने साथियों के नाम पते ना बताए इसे मार मार कर अधमरा कर दो। ले जाओ। राजू ले, खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। ठीक कहती हो, तुम जानती हो राजू भैया ने भी खाना नहीं खाया होगा। नाम मत लो उस चोर का मेरे सामने। चलो राजू भैया चोर ही सही, लेकिन ये तो सोचो कि वो चोर क्यों बने? क्या अपने लिए? नहीं, सिर्फ हमारे लिए। हमारी भूख हमारा दारिद्र उनसे देखा नहीं गया और वो चोर बन गए। हमें सिल्क के कीमती कपड़े पहनाए और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहे। हम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने में उन्होंने अपना जीवन भस्म कर दिया। माँ, हम जो भी आज हैं उन्हीं की बदौलत है, और आज जब हम किसी काबिल बन गए तो उनके गले में पड़ी चोर की तख्ती हमें नजर आ गई और हम उन्हें अकेला छोड़कर धिक्कार कर चले आए। अगर ये अन्याय नहीं है तो अन्याय किसे कहते हैं माँ? तुम ठीक कहती हो बेटी, यह सुनकर कि राजू एक चोर है मुझे ऐसा झटका लगा, मेरे दिल पर ऐसी चोट लगी कि गुस्से में मैं यह भी भूल गई कि उसने ये सब क्यों किया। चलो वापस चले मां, अब मैं किस मुंह से उसके पास वापस जाऊंगी? मैं तो उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नहीं, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। सामने फिर पत्थर की
खुद सेज पे सोए खारों की इंसानों की क्या बात करूं, माँ जननी है अवतारों की, माँ के उपकारों के आगे, माँ के उपकारों के आगे भगवान भी हो शर्मिंदा। सुख में सुख पाती औलाद के दुख में रोती है, हो पूत कपूत भले लेकिन माता न कुमाता होती है, माँ के होते जाने क्यों हम इस बात पे करते भार नहीं, ममता मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। हाँ माँ, हाँ माँ, ये झूठ बोलता है माँ। चंद्र भैया, माँ, तेरी कसम माँ, मैंने सब गलत काम छोड़ दिया माँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं। माँ, ये बदमाश हमेशा हम सबको इसी तरह धोखा देता आ रहा है। माँ, अगर ये अंदर आया तो या तो हम सब जेल में बंद कर दिए जाएंगे या फिर गुंडे बदमाशों के हाथों मारे जाएंगे। चल 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 भैया, राजू ये तो ठीक है कि तुमने इन लोगों के लिए सिर्फ गुंडे और बदमाशों को ही लूटा, लेकिन इन लोगों का जीवन संवारने के बाद भी तुम ये सब क्यों करते रहे? ये एक बहुत बड़ा राज है, जानना चाहती हो तुम तो आओ मेरे साथ। नमस्ते माँ जी। अरे राजू आओ आओ बैठो बैठो। जरा एक मिनट। हाँ राजू ये देखो, फिर हमें उसी तरह किसी ने गुप्त दान भेजा है। इतना रुपया ये कौन भेजता है? कौन जाने, होगा कोई सरफिरा। हमें तो एक गुमनाम चिट्ठी के साथ क्लोक रूम की एक रसीद मिल जाती है और वहां जाने पर ये मिल जाता है। अब क्या करते हैं इतने पैसों का? राजू तुम इन्हें ले जाकर दिखा दो। हाँ मिनी,
कैसी हो मौसी? राजू बेटे, जब से तूने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया है तब से थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। भगवान तुझे बहुत बहुत दे, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है बेटे। मेरे चार बेटे हैं, इंग्लैंड अमेरिका में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल बेसहारा। मेरा बाप दहेज नहीं दे सका, इसलिए मेरी सास और आदमी ने तेल डालकर आग लगा दी, किस्मत ने मुझे बचा लिया। मेरा पति शराबी था, पैसों के लिए मुझसे बुरे काम करवाता था और मुझे बहुत पीटता था। पापी हो या पैगंबर, खूनी हो या देवता, औरत सभी की जिंदगी में माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में आती है। उस पर अपना सब कुछ निछावर करके इस दुनिया से चुपचाप चली जाती है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? आंसू, नफरत, अत्याचार, बर्बादी। मैंने जो कुछ भी इस दुनिया से लूटा इन दीन दुखी औरतों पर निछावर कर दिया। राजू, मुझे हर जन्म में पति के रूप में तुम ही मिलो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देख राका, ऊपर से लेके नीचे तक पेट्रोल से भीग चुका है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, अपने साथियों के बारे में बता दे। मेरा कोई साथी नहीं है। गद्दार को हम जिंदा नहीं छोड़ते। और जाकर डैडी को खबर दे दो कि काम हो गया है। मैं यहीं इंतजार करूंगा और हरामजादे की राख लेकर जाऊंगा। जाओ 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 जाओ। क्या कहा, जिंदा जला दिया? हाँ सब, आप जल्दी आइए मेरे साथ, वो अभी तक जल रहा होगा। जल गया साला। राम नाम सत्य है राका साला। गिरफ्तार कर लो इसे, भागे तो गोली मार देना। जिस जज की अदालत में यह केस गया है वो जज बहुत सख्त आदमी है। जेके साहब, जज साहब को मैंने घूस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या नया नया जज आया है, हाथ में ही नहीं आ रहा है, और चीफ मिनिस्टर तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। सारे प्रेस वाले गवाह के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। जेके साहब, अगर मैं राकेश को मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल लाऊं तो? अरे जी बेटवा, एक तो बोला, जानते हैं सर, सन 42 में जब हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था तो सन 42 के बच्चे, वरना गला घोट कर यहीं मार दूंगा। हर वक्त बकवास करता रहता है। चंदर, अगर तुमने राकेश को बचा लिया तो मैं तुम्हें दौलत से लाद दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा तुम्हें। सारे अखबार वालों ने चश्मदीद गवाह के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है ना? हाँ। तो उसे मेरे भाई इंस्पेक्टर सूरज की प्रोटेक्शन दिलवा दीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे। इंस्पेक्टर सूरज, इनके जरा ठीक से खातिर करो। हाँ, और लाल मिर्ची की धुनी से आदमी की याददाश्त और भी तेज हो जाती है। बेहोश हो गया। हवलदार, इसे होश बुलाओ और कुर्सी से बांधकर जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। जी साहब। हाँ तो पंडित जी, उस दिन आपने क्या देखा? कब, किस दिन, कहाँ? मैंने तो कुछ नहीं देखा माए बाप, मुझे तो बस यूं ही पकड़ कर लिया है। लेकिन आपने पुलिस को बयान दिया है। बयान
कैसा बयान? कौन सा बयान? सब झूठा है वो बयान, मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। बगैर चश्मे के मैं ठीक देख भी नहीं सकता हूं, और मेरा चश्मा टूटे हुए 2 महीने हो गए। आप भी कुछ मुझे धुंधले धुंधले सा नजर आ रहे हैं। आप किसी के डर से अपना बयान तो नहीं बदल रहे हैं? पुलिस ने आपको मारा पीटा तो नहीं? जी 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 नहीं साहब, पुलिस ने तो बड़ी अच्छी खातिर की है मेरी। बड़े शरीफ लोग हैं ये बेचारे। ये झूठा केस है मिलॉर्ड। मेरा क्लाइंट मिस्टर राकेश एक इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा है, वो जुर्म करना जानता ही नहीं। सरकारी वकील के पास कोई और चश्मदीद गवाह है, कोई और सबूत, यानी किसी और ने यह खून होते हुए देखा है? नो मिलॉर्ड, केस इज डिसमिस्ड। वो मारा। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब बड़े बड़े वकीलों ने हमें जवाब दे दिया था तो इस नौजवान ने आगे बढ़कर बीड़ा उठाया और मेरे बेटे राकेश को फांसी के तख्ते से बचाया। इसके दिमाग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं इस नौजवान को अपना एक आलीशान बंगला और 5 लाख रुपए का चेक पेश कर रहा हूं। ये रहे उसके कागजात। कांग्रेचुलेशन है भाई। ये लो भैया की इस जीत में मेरा भी हिस्सा है मां। बेटे तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से भी लोग लखपति बन सकते हैं। तुम्हें जन्म देकर मैं धन्य हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। ये वो सरप्राइज है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी प्यारी और लाडली बेटी मिनी का हाथ एक नौजवान के हाथ में देने का फैसला किया है, और वो नौजवान है चंदर।
और मैं इसे। बेटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। माँ जी, मेरी शादी अगर होगी तो इन्हीं से होगी। ओह, समझी। अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सदा सुखी रहो। तो यहां भी हम लोगों की जिंदगी में जहर घोलने चला आया। चंदन भाई, खबरदार जो किसी ने इन पर हाथ उठाया तो। मनी, चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे। मनी, I love him. तुम? नहीं, पापा, I love him. I love him, पापा. I love Raju. जल्दी आ जाओ बाहर. Get lost. Out. ये सब कैसे हो गया? वो लड़का तो चंदा का नौकर था। हमें मालूम है। एक साला छोटी जात का नौकर बड़ी पार्टी में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला गया। आप कहो तो पापा, खत्म कर दें उसे। नहीं बेटे, ये मामला इतना आसान नहीं है। मिनी उस लड़के से प्यार करती है, उसे मारने से हमारा आगे का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखो कि मिनी उस लड़के से दोबारा कभी मिलने नहीं पाए। मुझे तो आपका प्लान ही समझ में नहीं आया। ये सारी दौलत, ये जायदाद, दुनिया की नजरों में जिसके मालिक हम बने बैठे हैं, दरअसल हमारी नहीं है, मिनी की है। और मिनी को अब तक इस बात का पता ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मिनी मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी बहन भी नहीं है। मिनी असल में मेरे दूर के रिश्ते के भाई ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी है। क्योंकि विक्रम सिंह हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उनका पूरा कारोबार मैं ही संभालता था। मिनी को यह नहीं मालूम कि मैंने उसके बाप को दवा के बजाय धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। मैंने दौलत हड़प करने की लालच में इस लड़की को बड़े लाड़ प्यार से पाला। ये दौलत अब कभी आपके हाथ नहीं आएगी अंकल, इसे भूल जाइए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझा नहीं बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पिता के हत्यारे के दर्शन कर रही हूँ। तो तुमने सब कुछ सुन लिया। ये मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए बहुत खराब हुआ। राकेश बेटे, आज से ये लड़की इन दीवारों के बाहर ना निकलने पाए। नवा नवा बंगला, बहुत बहुत मुबारक है जुवाई राजा। थैंक यू। मेरे को रात को ही मालूम पड़ा कि तुम सब घर वालों को लेके आ गया। बहुत अच्छा किया। और माँ जी की तबीयत ठीक है? उस बदमाश चोकरे को मार के तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ भी हो, राकेश को फांसी के फंदे से बचाने में तुमने कमाल कर दिया बेटे। जिस आदमी ने राकेश को खून करते अपनी आंखों से देखा, वही अदालत में कहने लगा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ये झूठ बुलवाने के लिए हमने उसे कितना मारा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उसे बिजली के करंट लगाए, मैंने उसे बर्फ की सिलों पर लेटाया, उसे आग पर उल्टा लटका कर मिर्चियों का धुआं जला जला कर साले को अधमरा कर दिया। हमसे पिट पिट कर 8-10 बार बेहोश हुआ,
तब जाकर अदालत में झूठ बोला वो। वरना कोई कानून खूनी राकेश को फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता था। तभी तो जेके साहब ने इनम में इतना बड़ा बंगला और अपनी बेटी आपको दे दी। अच्छा भाई हम चलते हैं, फिर से एक बार बहुत बहुत नहीं। लक्ष्मी देखना, बड़े होकर हमारे बेटे चांद सूरज की तरह चमकेंगे और हम बड़े फख्र से दुनिया वालों से कहेंगे कि हम इनके माँ बाप हैं। माँ तो ये है तुम दोनों का असली रूप। मैं भी कितनी भोली थी कि झट से मान लिया ये सब ठाट बाट तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। ईमानदारी से आज कोई लखपति नहीं बन सकता माँ। और फिर हम किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे हैं। अपने दिमाग से आज हम लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों की जायदाद के मालिक बनने वाले हैं, इसमें गलत क्या है? नोटों की दीवार की उस पार ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है ना दिखाई देगा। आज तुमने एक खूनी को बचाया है, कल पैसे के लिए किसी गरीब का खून भी कर सकते हो। बेशक। माँ तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा युग बीत गया है माँ। आज के जमाने की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। पाप और पुण्य सब बकवास की बातें हैं माँ। तुम इतना गिर गए हो। ले भाई ये गर्मा गर्म चाय पी यार। अरे मैं देखता हूँ कौन आया। ये सवेरे सवेरे कौन है भाई? है राजू। मेरे घर आ गई है और मैं रो रहा हूं। ए रहीम चाचा, एक बार चाचा देखो मेरी माँ वापिस आ गई है। ए उठो देख मेरी माँ वापिस आ गई है। अरे सुनो 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 सब लोग, मेरी माँ वापिस आ गई है। ए काकी देख, मैं कह रहा था कि मेरी माँ वापिस आएगी। मैं कह रहा था देख मेरी माँ वापिस आ गई है। सबके सब कह रहे थे कि माँ नहीं आएगी। उसका मैं गोविंदा, वो मेरी जसोदा मैया, उसका मैं गोविंदा। माँ है जब तक जग में तब तक, माँ है जब तक जग में तब तक, ममता की मिसाल है जिंदा। वो मेरी जसोदा उसका मैं गोविंदा। एक महबूबा ने दिल भर से उसकी माँ का दिल मंगवाया, वो इश्क में अंधा दौड़ा दौड़ा अपनी माँ
तेरा मैया उसका मैं गोविंदा। एक सच्ची माँ एक झूठी माँ एक बच्चे का झगड़ा लेकर इंसाफ मांगने की खातिर जा पहुंची हाकिम के दर पर। एक बोली मेरा बच्चा है एक माँ, जब से तू गई है ना राजू ने एक दिन भी पेट भर के नहीं खाया। तो माँ ने भी कौन सा पेट भर के खाया होगा? क्या मैं माँ को जानता नहीं हूँ क्या? अरे माँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, तू अचानक यहाँ, सब ठीक है ना? सूरज भैया, चंद्र भैया, वो अपने बनाए स्वर्ग में बहुत सुखी हैं बेटा। बस इसके आगे कुछ मत पूछना वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, आशा की शादी हो जाए और तेरी बहू घर आ जाए बस। अरे माँ, मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगा, मगर सबसे पहले हम आशा की शादी धूमधाम से करेंगे। मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा रवि, इसे अब तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अब इस लंबे घूंघट की क्या जरूरत है, इसे हटाकर अपने चांद जैसे मुखड़े की एक झलक मुझे भी दिखा दीजिए। क्यों, इससे पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं क्या? देखा तो है, मगर दुल्हन के रूप में कहां देखा है। तुम्हारे साथ ही तो जा रही हूँ। आज अपनी सुहागरात जो है बेसब्र होना तो लाजमी है। Oh!
ये तो जंगल है। ड्राइवर तुम गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? साहब जी ब्रेक फेल हो गया है। रवि क्या पहचाना? तुमने मुझे लॉकअप में बंद किया था, याद है? उस रात मेरी बेबसी का तमाशा तुमने देखा था, अब तुम्हारी बेबसी का तमाशा ये सब देखेंगे। आजकल हाथ नहीं लगाना। तूने मेरे पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पर हाथ उठाया? मेरे को हाथ उठाया? मेरे पर हाथ उठाया? मेरे पर हाथ उठा, काम कर दो इसको। बचाओ, बचाओ, नहीं, बचाओ। कब से नहीं मरना चाहिए? रस्सी लो, रस्सी लो, रस्सी। अच्छा अगर ये मर जाएगा तो बाकी का ड्रामा कौन देखेगा? तुम्हारा बाप। बांधो इसे, बांधो पेट से, बांधो। बचाओ, नहीं। छोड़ मुझे, छोड़। नहीं कुत्ता, नहीं। देख ले इंस्पेक्टर, अपनी बीवी की सौगात अपनी आंखों से देख ले। छोड़ दे इसको। नहीं राकेश, नहीं। स्वागत, क्या बदला लिया मैंने इंस्पेक्टर? मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने, जान से मार डालूंगा। उसका मौका मैं तुझे नहीं दूंगा। हट जाओ, हटाओ। अच्छा मुझे माफ, मुझे माफ। रवि, मर गया साला। रवि, रवि, रवि कैसे हो? आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है ना? हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी की हाथ जो पीले हो गए। मेरी प्यारी बहनी आज बहुत खुश होगी। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं माँ। बड़ी सुंदर जोड़ी है। मेरी तकदीर अच्छी है जो ऐसा खुशी का दिन देखने को मिला। अरे इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो ठहर मैं देखता हूं। आशा तुम यहां इस हाल में? ये क्या हुआ आशा? ये क्या हुआ?
कैसे हुआ? बोल मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? नाम क्या उसका? नाम क्या उसका? जेके के लड़के राकेश ने मेरा सर्वनाश कर दिया। नहीं भैया, मुझे बागिन के लिए तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। नहीं भैया, तुम अकेले हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आशा, तुझे मेरी कसम, छोड़ मुझको। नहीं बेटे, नहीं। तू अभी अभी पुलिस स्टेशन से छूटकर आया है, अपने गंदे हाथ और गंदे मत कर, ये काम पुलिस कर लेगी। ले आओ। तू इसी वक्त राकेश के हाथों में हथकड़ी डाल दे। चंदर, उस खूनी के गले में फांसी का फंदा डाल दे। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हम तो पहले ही शादी के खिलाफ थे। ऐसा मत कहो बेटे, अपनी अभागिन बहन के लिए नहीं तो अपनी विधवा माँ के लिए तो कुछ करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। आशा की शादी हम किसी दूसरी जगह करवा देंगे, किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। लाख दो लाख लगाना पड़े तो वो भी हम लगा देंगे, पर जेके के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे। कल तक तो मैं तुम्हें पाप का धन कमाने का दोषी समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम अपनी माँ और बहन का सौदा भी कर सकते हो। बहन के सुहाग की चिता जल गई, फिर भी तुम्हारे खून में उबाल तक नहीं आया। अरे ना मुरादो, लोग अपने पाप धोने काशीर प्रयाग तक चल कर जाते हैं। मैं तो काशीर प्रयाग दोनों तुम्हारी चौखट पर ही ले आई थी, पर तुम्हारे नसीब में ये पुण्य लिखा ही नहीं है। धिक्कार ऐसे बेटों पर। ठहरो, अगर तुम अदालत में गई तो मुझे ये केस तुम्हारे खिलाफ लड़ना होगा। क्या? जेके की बेटी से मेरी शादी होने वाली है, उसके करोड़ों की जायदाद मेरी होने वाली है, और माँ बाप भाई बहन अपना खून तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब तो दुनिया में फिर भी मिल जाते हैं, पर एक बार हाथ से गई हुई दौलत कभी वापस नहीं आती। अरे रावण जैसे राक्षस का खून भी अपनी बहन की नाक कटने पर खौल उठा था, पर लगता है तुम तो उससे भी नीचे गिर गए हो। आज न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की बहन। मुसीबत में आज अपना नहीं पराया काम आता है। माँ, तुमसे तो राजू ही अच्छा है जो मेरी कोख से नहीं जन्मा, फिर भी आज हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए अक्ल से काम लेते हैं। वो एक बेवकूफ जाहिल गंवार है। वो जाहिल है, गंवार है? अरे मूर्ख, पोथी पढ़ जग मरा, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। चल बेटी। चंद्र भैया, आखिर आशा हमारी सगी बहन है, एक बार फिर सोच लो। बचपन की भुखमरी और कंगाली अगर वापस चाहते हो तो तुम भी उन बेवकूफों के साथ जा सकते हो। आज की दुनिया में अगर जीना है तो दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना सीखो। मिलॉर्ड, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, ना ही मेरी दिलचस्पी इसमें है कि इसके पति इंस्पेक्टर रवि का खून हुआ है या नहीं। मेरे सामने सवाल यह है कि इस केस का असली मुजरिम मेरा क्लाइंट राकेश है या नहीं, और इस अहम सवाल पर रोशनी डालने के लिए मैं अदालत के सामने एक इंपॉर्टेंट विटनेस पेश करना चाहता हूं। Yes. आपका नाम? हमका चालूराम एमएलए कहलाते हैं, बाकी जनता जनार्दन हमको प्यार से धदुआ कहता है। ये उल्लू का पट्टा यहां भी शुरू हो गया।
हम बहुत त्याग किया है न हुजूर। सन 42 में गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी जी का इसके से क्या ताल्लुक है? आप सिर्फ अपने बारे में बताइए। हम 10 बरस से मिले हैं, जब से इलेक्शन में हमको कोई माई का लाल नहीं हरा सका, चाहे जहां से भी खड़ा कर दीजिए। जानते हैं सर का है? हम पब्लिक का सेवन करते हैं। आप मुजरिम को जानते हैं? जानते हैं, जानते हैं ना तो का, खूब जानते हैं। अरे ये तो हमारे युवा शाखा के मंत्री जी हैं। इन पर इल्जाम है कि 30 दिसंबर की रात को इन्होंने आशा देवी के साथ बलात्कार किया और इंस्पेक्टर रवि का खून किया। खून, बलात्कार? अरे एकदम चिड़ई का बच्चा है, ये बस एकदम अहिंसा का अवतार है। हुजूर, इसको अगर कुत्ता काट लेना तो कुतुबों को जलेबी खिला देगा, ऐसा गऊ है। और 30 दिसंबर को तो युवा शाखा की मीटिंग में रात भर ये हमारे साथ था। इसके साक्षी हैं हम, चालू राम MLA। हम कहते हैं हुजूर ये सब झूठ है। हमारे रजिस्टर लातो रिश्वा, हमारे रजिस्टर में उस दिन का सब लेखा जोखा है। हाई देखिए हुजूर, 30 दिसंबर की रात में सब सदस्यों के साथ हमारे इस बचवा का दस्तखत है कि नहीं, देखिए। चालू राम, ये रजिस्टर झूठा है, जाली है। जाली है? इसे आपने बाद में बनवाया है। जकी साहब, जज हमारे गवाह पर हंस रहा है, लगता है हम किस हार जाएंगे। खामोश, मेरे पास पैसा है, देखता हूं कि कानून जीतता है या पैसा। फोन लाओ। एक मासूम लड़की की जिंदगी उसकी शादी की पहली रात ही बलात्कार करके हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। लेकिन सारे केस पर गौर करने के बाद अदालत यह भी महसूस करती है कि इन हालात में और इतने अंधेरे में एक घबराई हुई मासूम लड़की मुजरिम का चेहरा पहचानने में गलती भी कर सकती है। इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है और यह भी साबित हो चुका है कि उस रात मुजरिम राकेश कुमार एक इज्जतदार MLA और समाज सेवक के साथ एक मीटिंग में हाजिर था। इसलिए यह अदालत मुजरिम राकेश कुमार को बाइज्जत बरी करती है। वही खड़ा रहे। मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई थी, लेकिन पता चला कि काले धंधे वालों ने काली दौलत और काली करतूतों से इंसाफ के पहरेदारों के मुंह भी काले कर दिए हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा, हट जाओ। दीदी, डॉक्टर साहब। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, राकेश इज सेफ, आपका बेटा बच गया। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। मुबारक हो जी सर। बेटे, कल हमने आशा का भी दाह संस्कार कर दिया और वो चांडाल खूनी अदालत से छूट गया। कल भी भाग गया। किधर गया? अगर तू रुका बड़ा गोली मार दूंगा। जेल से भाग गया? कोई है? गार्ड्स! पट्टू! अरे राजू, तू? मैं लॉकअप से भाग गया, पहले मां से मिलना चाहता। नहीं, ठहर, अंदर कोई नहीं। मैं मां को देखने गया था। हा? कोई नहीं, सिर्फ ये पर्ची पड़ी है, इसमें लिखा है तुम्हारी मां हमारे कब्जे में, चुपचाप रामगढ़ के पुराने किले के खंडरों में आ जाओ, पुलिस को खबर की या कोई चाल चली तो हम बुढ़िया को मार डालेंगे। रामगढ़ में तो मैं पैदा हुआ था और मेरे पिता को वहां किसी ने मार डाला था, मगर जेके का रामगढ़ से क्या ताल्लुक हो सकता है? लड़के, अपने साथ लाए हुए सारे हथियार जमीन पर डाल दे। मेरे ये हाथ ही मेरे हथियार हैं जेके, मेरी मां कहां है? घबरा मत,
मरने से पहले हम तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर देंगे। राका, माता जी को लाओ। ना 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 ना, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं माता जी का भेजा उड़ा दूंगा। अबे किधड़ की औलाद, मेरी बूढ़ी माँ पर चार चार मशीन गन तान कर मुझे अपनी ताकत दिखाता है। मर्द की औलाद है तो मुझसे निपटना। पकड़ लो इसे और दोनों को अलग अलग काल कोठियों में डाल दो। मट्टू राजा, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझसे छीनी हुई सांसें मुझे वापस कर दी। इन गुंडों ने मुझे घर से उठाकर यहीं कैद कर रखा है। बड़े जुल्म किए हैं इन लोगों ने मुझ पर। लेकिन क्यों? माय डियर सन, मैंने इस बुढ़िया को इसलिए उठवाया था कि उस टटपुंजे से तुम्हारी बेदती का बदला ले सकूं। मुझे क्या मालूम था कि यह वो चाबी निकलेगी जिसे मैं पिछले 20 साल से तलाश कर रहा था। अब इसके दोनों बेटे सूरज और चंद्र को भी यहां आने की दावत दी जाए। जेके साहब ने हमारी दावत का इंतजाम यहां क्यों किया है? बॉस जिससे खुश होते हैं उसे खास इनाम देने के लिए यहीं बुलवाते हैं। आइए आइए आइए, हमने आपको आपके माँ बाप से मिलने की दावत दी है। अपनी माता जी से मिलिए। माँ बेटी, तुम यहाँ? तुम्हारे पापा जिंदा है क्या? यही है तुम्हारे पापा बेटे। लेकिन जेके साहब, आपने इन्हें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? ये भी आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ले जाओ इन्हें। जेके साहब, ये सब क्या है? आपने तो हमें शादी के लिए बुलवाया था। शादी? बरखुरदार, दामाद की जरूरत उसे होती है जिसकी कोई बेटी हो। तेरे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि मिनी के बाप को मैंने बहुत पहले जहर देकर मार दिया था। लेकिन आपने हमें बंदी क्यों बना रखा है? तेरे इस बाप ने कई अरब का सरकारी खजाना कहीं छुपा रखा है। 20 साल से मैं इसे हर तरह का टॉर्चर देता आया हूं, लेकिन यह हरामजादा अपनी जबान नहीं खोलता। बंद दो बुड्ढा बुड्ढी को और इनके दोनों बेटों को मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दो। मारो इन्हें। नहीं, मत मारो इन्हें। मत मारो। और मारो। नहीं, 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 नहीं। जैसे कबूतर का मर जाना ही अच्छा है। नहीं, मैं बाबी हूँ, अपनी बहन का हत्यारा हूँ मैं। नहीं। बस बस, रोक दो ये अत्याचार। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने 20 साल बाद अपने बच्चों की शक्ल देखी है, उन्हें इस तरह अपनी ही आंखों के सामने मैं तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं बताता हूं, मैं सब कुछ बता दूंगा। बोल बोल, कहां छुपा कर रखा है वो खजाना? बोल बुढ़े बोल। नहीं बाबा नहीं, हम सबकी जिंदगी देश के गरीबों की अमानत से ज्यादा कीमती नहीं है।
मर जाना दीजिए हम सबको। चंदन के पेड़ से कितने भी सांप लिपट जाए मगर वो अपनी खुशबू कभी नहीं छोड़ता। हाँ हाँ राजू ठीक कह रहे जी। आपकी जबान खोलते ही हम सबको मार डालेगा पापा, इस तरह आप हमें बचा नहीं पाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। माँ बाप के लिए कुर्बान होना तो बेटों का धर्म होता है पापा। ठीक है बेटे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वाह पापा वाह, अरे हमें गर्व है आप पर। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। मार मार कर इन दोनों की चमड़ियां उतार दो। इन दोनों के गोश्त के चीथड़े उड़ा दो। बदन में खून की एक बूंद भी बचनी नहीं चाहिए। ये तो बेहोश हो गया बॉस। इन दोनों कुत्तों को ले जाकर इनके पिंजरे में बंद कर दो और जैसे ही ये होश में आए इन्हें यहां लाकर फिर से टांग दो। और जब तक ये बुढ़ा अपनी जबान नहीं खोलता इन्हें इसी तरह हलाल करते रहो। इन दोनों के मरने के बाद इस बुढ़िया को भी यहां लाकर टांगेंगे। देखते हैं ये बुढ़ा अपनी जबान कैसे नहीं खोलता है। जेके के बच्चे याद रख, तेरे इन तमाम जुल्मों का बदला गिन गिन के ना लिया ना तो राजू मेरा नाम नहीं। मैं तेरी खाल के अपने जूते बनवाऊंगा। मेरा हर जूता किसी ना किसी इंसान की खाल का बना हुआ है। तुझे तेरे आखिरी जूते तेरी खाल के नसीब होंगे, वो भी राजू के हाथ से। मैं तुझे जबान देता हूं, ये वादा रहा। अच्छा बेटे, कल सुबह तक। अब के बॉस हमें बहुत इनाम देगा। हाँ पिछली बार तो 10-10 हजार रुपए मिला था, इस बार तो इतना सारा ब्राउन शुगर चरस गांजा है, पैसा ही पैसा है। चलो चलो अपने काम पर चलो। हाँ, हाँ चलो चलो, चलो। अब के माल ही माल है, मजा आ जाएगा। अरे बाप रे, ये तो अली बाबा की गुफा है। खुल जा सिम सिम। जिंदगी पहली बार देखा है। मैं चलता फिरता ड्रम। लगता है बॉस ने रोबोट बनाकर भेजा है। बिल्कुल रोबोट बना के भेजा है। अरे मुट्ठी नीचे का। ये बजरंग बली, ये तो गया काम से। अबे चाबियों का गुच्छा तो देता जा राजा, कहीं इसके बोझ से तेरी कमर न टूट जाए। चल चल जल्दी बाहर आए चिड़िया घर से। माँ पापा चंद्र और सूरज भी अभी यहीं के बंद है, चल चल कर ढूंढते चल। अरे मगर इतनी बड़ी जगह है, उनको ढूंढने के कहां से यार। एक काम कर तू यहां से जा, मैं यहां देखता हूं। चल हाँ ठीक है ओके। चंद्र भैया अंटू तू यहां आया कैसे? भाई साहब मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, गलती से आ गया हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता किधर है? चलो हम दिखाते हैं तुम्हें रास्ता। जरा इज्जत दिखा। अरे भाई साहब मेरी भी इज्जत है। तुम राजू के साथी हो? अजी साथी कहाँ, माय बाप चमचा। अपनी तो रोजी रोटी चमचागिरी से ही चलती है। ये भाई लोग मुझे आपकी छत्र छाया में ले आए, इसलिए आज से आपकी चमचागिरी शुरू कर देते हैं। अरे अरे कौन लाया, कौन लाया? अरे हुजूर आपकी सेवा करने की इच्छा खींच कर मुझे यहाँ ले आई है। पापी पेट का सवाल है माई बाप। डैड मुझे तो ये आदमी फ्रॉड लग रहा है। ऊपर से लॉलीपॉप और अंदर से मीठी छुरी,
इसकी बातों में मत आइएगा। इसे भी उनके साथ बंद कर दो। अरे नहीं हुजूर, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे हुजूर ऐसा नहीं कीजिए। जाओ और मुझे जेके साहब के चरणों में रहने दो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे जेके साहब प्लीज। कहीं ये साला अपने साथियों को छुड़ाने के लिए तो नहीं आया? ओ गॉड, हो सकता है। अरे डैड, ये साला तो भाग गया। देखते हैं कहां गया। वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटा, इसलिए तो सबसे पहले आप दोनों को यहां से तुरंत निकालना है। चलो पापा, मैं आपको पुलिस के पास लेकर चलता हूं। चलो। नहीं बेटे, चंद्र और सूरज भी इन्हीं गुफाओं में बंद हैं। अरे उन्हें छुड़ाने के लिए बंटू गया है ना। मैं उन्हें इन भेड़ियों के कैद में छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। तुझे मेरी कसम, आगे कुछ मत बोलना बेटे, आगे कुछ मत बोलना। यूं समझ ले आज मैं तुझसे अपने दूध की कीमत मांग रही हूँ बेटा। इन्हें जल्दी रोकना चाहिए डैग, नहीं तो ये भाग जाएंगे। भागने दो, बल्कि इनकी सहूलत के लिए गाड़ी भी बाहर रख दो, ताकि इन बेचारों को भागने में बिल्कुल तकलीफ ना हो। डैड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बेटे, इनकी मौत ही इन्हें यहां से भगाकर ले जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? 20-22 साल तक आपने कहां छुपाया वो सोना? जेके जब पुलिस वैन को खत्म करने के लिए ले गया तो मैं वो सोना अपनी जीप पर लादकर पास ही नदी किनारे गया। वहां मैंने सोने के दोनों बक्से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नाव पर रखे, जो कि हमेशा वहां बंदी रहती थी। मैंने नाव की रस्सी खोल दी और वहां से तेजी से नाव बह चली। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मुझे पता था कि पानी के बहाव से नाव कुछ 2 किलोमीटर दूर टाइगर झरने के नीचे जा गिरेगी, और झरने के नीचे एक गहरा खड्डा है जहां दोनों बक्से नाव से अलग होकर डूब जाएंगे, और इस तरह सोने का पता किसी को नहीं चलेगा। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि सोना वहीं पड़ा है। हमें अभी इसी वक्त हेडक्वार्टर्स को फोन करना चाहिए। हैंड्स अप। वेल डन फॉरेस्ट ऑफिसर, सोने का राज उगलने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसी वक्त बड़े इत्मीनान से जाकर सोना निकालेंगे, और इस बार तुझे मारने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। जेके, मुझे बेवकूफ समझता है? मुझे पहले ही शक था कि हम इतनी आसानी से यहां कैसे आ गए, इसलिए मैंने असली पता बताया ही नहीं। अब तू मुझे मार सके तो मार दे, चला गोली, सोना तुझे नहीं मिलेगा। हैंड्स अप। बुड्ढे पर गोली मत चलाना, अब तक इसने हमें सोने का पता नहीं बताया। नहीं नहीं राजू, तू भाग जा यहां से। नहीं पापा, मैं भाग जा राजू, हट भाग जा, ये लोग अभी मुझे नहीं मार सकते। तू भाग जा राजू, अगर तू मारा तो हट जा, हट जा, हट जा राजू, तू भाग, राजू भाग जा। कहिए तो चारों तरफ ढूंढे जेके साहब। जरूरत नहीं है, वो इस बुड्ढे को बचाने हमारे पास यहां जरूर आएगा, जाएगा कहां? ओफो, दिखता नहीं इसमें मक्खी पड़ी है। मक्खी काहे मक्खी? आ, 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 खबरदार, आवाज निकाली तो गला काट के रख दूंगी। राकेश, मैं जेके बोल रहा हूँ। यस डैड। एक खुशखबरी है बेटे, सोना मिल गया क्या डैड? मिला तो नहीं, लेकिन शायद टाइगर वाटरफॉल के नीचे पड़ा है, हम वहीं जा रहे हैं। गुड लक डैड। एक बुरी खबर भी है, राजू हमारे हाथों से निकल गया है। ओह माय गॉड। लेकिन वो मेरे पीछे बुड्ढे को बचाने वाटरफॉल पर जरूर आएगा। डैडी, जैसे वो हरामजादा दिखाई दे फौरन गोलियों से भून देना उसे। डोंट वरी बेटे,
सबसे पहला काम हम यही करेंगे। तुम इसी वक्त उन तीनों कैदियों को गोली मार दो और बुढ़ी को लेकर हमारे फांसी घर पहुंचो। मैं बुढ़े को भी रॉबर्ट के साथ वहीं भेज रहा हूं। उन दोनों को फांसी देने की तैयारी करो, मैं सोना लेकर आता हूं। ओके डैड, लेकिन राजू को मारना मत भूलिएगा। जहां हरामजादा दिखाई दे गोली मार देना उसे। बाय डैड। तेरी गर्दन काटने चंगा, तो बाकी के तीन कैदियों को भी गोली मार दे। चल बुड्ढी, जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। जल तू, क्या हुआ तू? क्या हुआ? अरे जरा सामने देखो, यमदूत आ रहा है। वो देखो हनुमान जब नाम जुनाए, भूत पिताज निकट नहीं आए। आ गया, हमें ऑर्डर मिला है कि तुम तीनों को इसी वक्त गोली मार दे। चलो तैयार हो जाओ। भाई साहब, अगर मारना ही है तो हम तीनों को अलग अलग मत मारना, हम तीनों को एक साथ स्वर्ग भेजना, ताकि ऊपर जाकर भगवान के दरवाजे पे हम आपकी तरक्की के लिए भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है ठीक है, पीछे हटो, हम अंदर आते हैं। चलो लाइन से खड़े हो जाओ। अरे बाप, चलो ये तो मार के रहेगा। चलो चलो बड़े भाई लोग, लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। राजू ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तुमसे उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन आशा के केस में तुमने राकेश की पैरवी करने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें मना किया था। अरे तुम आदमी नहीं, सांप हो सांप। ये बात समझ में नहीं आती क्या? बड़े भाई को सांप बोलता है? तुम मेरे बड़े भाई कहलाने के लायक नहीं हो। आजकल अरे लाइन लगा जल्दी से, मैं वाले चल, जहाँ हमारी माँ है। चल जल्दी, वरना यही गोलियों से भून दिया जाओगे। अलग अलग लाइन लगा। वो मारा, सोना मुझे मिल गया, मेरा पति बन गया। मेरा पति बन गया, अब मैं सारी दुनिया खरीद लूंगा। अबे उल्लू के पट्ठों, पागलों की तरह क्या नाच रहे हो? पीछे जाओ और सारा सोना गाड़ी में रखो। आराम से बेटे, आराम से। सोना मुझे मिल गया। शाबाश मेरे पट्ठों, में तुम सबको लखपति बना दूंगा। आराम से बेटे, आराम से। शाबाश। अपनी चिल्लर कंपनी से कह दे, अगर किसी ने बंदूक उठाई तो इस दुनिया से उठ जाएगा। बोल, मेरे पापा कहाँ है? तुझे तेरे पापा के बारे में ही नहीं, पूरे खानदान के बारे में बता देते हैं। तेरे माँ बाप हमारे किले के फांसी घर में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ मेरे इशारे की देर है और तुझे तो मारकर यहीं हम पानी में फेंक देंगे। मरने से पहले अपनी महबूबा का हाल भी सुन ले। सोना तो हमें मिल चुका है, अब उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद उसे भी ऊपर तेरे पास भेज देंगे। लालची कुत्ते, उस लड़की की जायदाद अपने नाम पर लिखवाना भूल जा, क्योंकि तेरे माथे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सोना तेरे कब्जे में आया है, जो कि इस वक्त उस जीप में पड़ा है, जल्दी कोई उड़ा ले जाएगा। भविष्यवाणी कर रहा है हमारे बारे में। क्या करो, तेरी किस्मत ही पांडू है। जल्दी फांसी कर ले चलो। जब हमें किसी को ऐसा मारना होता है कि उसकी लाश का भी पता ना चले, तो हम उसे ऐसे ही लटकाकर रस्सी काट देते हैं। रस्सी कटते ही चक्री जोर से घूमती है और आदमी सीधा नीचे भूखे शेरों के मुंह में। ये शेर 4 दिन के भूखे हैं, तुम लोगों को बहुत मजे से खाएंगे और हमें दुआएं देंगे। टैडी के आने का इंतजार है। अरे इनके बेटों की लाशों को तो ले आओ, ये बेचारे मरने से पहले
अपने बेटों की लाशों के दर्शन तो कर लें। आपने हमें याद किया और हम हाजिर हैं जनाब। सूरज, चंदर, तुम लोग जिंदा हो। चंदर भाई, अच्छा तो ले। जल्दी चलो। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। जो प्रायश्चित करने की ठान लेते हैं वो मौत से नहीं डरा करते। राम साधो, आज मैं तुम तीनों को तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी बहन के पास पहुंचा दूंगा। तुम पुलिस को लेकर आओ, मैं इन लोगों को देखता हूं।
इसने मेरे पापा को जहर देकर मारा, मार दो इसे। राजू, राजू, राजू। पापा को चोट तो नहीं लगी ना? तू मेरा कौन लगता है रे? मेरा सुहाग बचाने के लिए तू मौत के मुंह में कूद गया। बेटा हूं तेरा मां। बदलेंगे जब दिन इनके, बदलेंगे जब दिन इनके, लेंगे बदले ये बदले गिन गिन के।